24 आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में पुलिस की पिटाई की गई है। रेप पर भड़के लोगों ने पुलिस के अधिकारियों को पीटा है। घर में बंधक बनाकर पुलिस कर्मियों की पिटाई की गई है। पश्चिम बंगाल की यह घटना है। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में पुलिस कर्मियों की पिटाई की है आम लोगों ने। कहा यह जा रहा है कि उस इलाके में रेप की घटना हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से लोग असंतुष्ट थे, जिसके बाद वहां पर आम लोगों का गुस्सा फूटा पुलिस पर और पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, पुलिस कर्मियों को घर में बंधक बनाया गया और वहां पर जमकर पीटा गया। पश्चिम बंगाल के कालियागंज की यह घटना है, जहां पर पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की गई है। रेप की घटना के बाद ये मामला सामने आया है, जहां पर कालियागंज में लोगों ने कई पुलिस वालों को घर में बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। पश्चिम बंगाल के कालियागंज की यह घटना है। घर में बंधक बनाया गया, पुलिस वालों को रस्सी से बांधा गया। उसके बाद कई लोगों ने जो वहां पर मौजूद थे, भीड़ की तरह पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आगे कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल के कालियागंज से, जहां पर पुलिस वालों की जमकर पिटाई कर दी गई है, रेप की घटना वहां पे हुई थी, पुलिस की कार्रवाई से लोग असंतुष्ट थे। जैसे ही पुलिस उस इलाके में पहुंची, असंतुष्ट तमाम लोगों ने या भीड़ ने पुलिस वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई पुलिस वालों को गाँव वालों ने, लोगों ने बंधक बना दिया। कई पुलिस वालों को जमकर वहाँ पर पीटा गया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कालियागंज से, जहां पर पुलिस वालों की पिटाई कर दी गई है। रेप से भड़के लोगों ने पुलिस कर्मियों को पीटा है। घर में बंधक बनाकर पुलिस कर्मियों की पिटाई की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। हमेशा देखा गया है कि कई बार जब पुलिस की कार्रवाई से लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद इसी तरह से आम लोग और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें होती हैं, विरोध प्रदर्शन होता है। और विरोध प्रदर्शन जब हिंसक हो जाता है तो इसी तरह के मामले देखने को मिलते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जैसे ही ये घटना सामने आई, हर कोई इस घटना के बाद हैरान है। पश्चिम बंगाल के कालियागंज से पुलिस की पिटाई करने का ये वीडियो सामने आया। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में पुलिस की पिटाई हुई है। रेप से भड़के लोगों ने पुलिस कर्मियों को पीटा है। घर में बंधक बनाकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया है। अमूमन इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में कई दिनों से देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी लगातार सरकार पे हमलावर है। पश्चिम बंगाल के कालियागंज की एक घटना है, जहां पर एक रेप की घटना हुई थी, जिसके बाद वहाँ पर आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ लोग कर रहे थे। तभी पुलिस के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद आम लोग ने पुलिस कर्मियों को बंधक बना दिया, घर में रस्सियों से बांधा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।